हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अरिंदर एच के डाइटक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो बेसिकली जो फास्टनर होते हैं, इस फास्टनर को लगाने के लिए हमें ड्रिल बिट की जरूरत पड़ती है। इंस्टॉलेशन करने के लिए ड्रिल बिट की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से और कितने एमएम के फास्टनर को लगाने के लिए आपको कितने एमएम की ड्रिल बिट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमारा फास्टनर है ये M6 का फास्टनर है। ये जो सबसे छोटा फासनर है ये हमारा बोल्ट फासनर बोलते हैं इसको। ये हमारा M6 का फासनर है। M6 के फासनर को लगाने के लिए आपको M10 की ड्रिल बिट की जरूरत पड़ेगी। इसकी मोटाई, इन दोनों की मोटाई आपस में आपकी सेम होनी चाहिए, तभी आपका फासनर प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगी। अदरवाइज आपके प्रॉपर की फासनर की प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। उसके बाद में जो हमारा ये हुक फासनर आता है, ये आपका हुक फासनर है। ये आपका M8 का फासनर है और M8 के फासनर को आपको लगाने के लिए आपको ये है आपकी M12 की ड्रिल बिट की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप ये फासनर आप इजीली लगा सकते हो। उसके बाद में है हमारा ये एक ये नेल वाला फासनर आता है, नेल वाला फासनर, जिसकी हमारा M6 फासनर है। M6 के फासनर को लगाने के लिए हमें बेसिकली जो M10 का फासनर है, ये M10 की ड्रिल बिट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये वाला बेसिकली फासनर होता है हमारा जो वाशिंग वगैरह इंस्टॉलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस फासनर की। उसके बाद में आता है ये हमारा M10 का एंकर फासनर है। M10 के एंकर फासनर को लगाने के लिए हमें ये आपका M16 की ड्रिल बिट की जरूरत पड़ेगी, जो बेसिकली इसको प्रॉपर फिटिंग के अकॉर्डिंग होती है। इसकी जैसे मान लीजिए जो इसकी आपके मोटाई मिलेगी, थिकनेस मिलेगी, उस थिकनेस के अकॉर्डिंग ही हमें ड्रिल बिट लेनी पड़ती है। उसके बाद में हमारा एक ये आता है, ये आपका जो फासनर है ये M12 का फासनर है। और M12 के फासनर को आपको लगाने के लिए आपको M18 की ड्रिल बिट की जरूरत पड़ेगी। और ये आपकी ड्रिल बिट सेम इसी साइज़ में होनी चाहिए। अगर आपके फासनर अगर लूज है ज़्यादा, या फिर आपका ज़्यादा टाइट है, तो आपका फासनर प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होगा। इसलिए हमें जो ये बड़ा ध्यान रखना है कि जितने MM की ड्रिल बिट है आपको, उसके अकॉर्डिंग ही फासनर के अकॉर्डिंग ही कितने MM का फासनर है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रिल बिट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाई और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता था। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।